हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो प्याजा, जो कि आलू से बनता है। कुछ लोग इसे स्टू बोलते हैं और कुछ लोग इसे दो प्याजा बोलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें स्टू बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स लगने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीन बड़े साइज का आलू जो है उसे कट कर लिया है, धो के रखा है। जितना आप आलू ले रहे हैं उतना ही आपको ऑनियन प्याज भी लेना है, तो मैंने तीन प्याज बारीक काट लिए हैं। उसके अलावा हमें अदरक का मैंने छील के उसे काट के रख लिया है। लहसुन की 7-8 कलियां ले लीजिए। मिर्च मैंने यहाँ पे 2 ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें गर्म मसाला, खड़े मसाले में 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा लिया है मैंने, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है, 2 लौंग लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है। उसके अलावा हमें कुछ सूखे पाउडर भी लगेंगे, तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच कोरिएंडर धनिया पाउडर लिया है। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दिया है। इस कलछुल से मैंने इसमें 1 कलछुल तेल डाला है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जो है मैंने बारीक काटी है। इस प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट भूनिए और इसमें हम अपना आलू डाल देंगे। इसी में हम ये तेज पत्ता भी डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ भूनने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1 मिनट तक भून लिया है और ये एकदम लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना जो आलू है वो भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आप लो कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब इसे हम ढक देंगे। इसे ढक के जब तक ये पक रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ये जो खड़े मसाले हैं उसको सबको हमें पीस लेना है। तो मैं जार में डाल के इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए जो है वो हम निकाल लेंगे। ये सारी चीजें भी डाल के बारीक पीस लेंगे। मैंने सारे मसालों को पीस लिया है। जितना बारीक हो सकता है आप उतना कर लीजिए। बीच में चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इस दो प्याजा को बनाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता है। प्याज में ही हमें आलू को और पूरी सब्जी को पकाना होता है, तो इसलिए इसे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम इसे आपको 5-5 मिनट पे चेक करते रहना होगा। ये देखिए कैसे धीरे धीरे हल्का ब्राउन हो रहा है। हमारा आलू भी साथ ही साथ पक रहा है और ऑनियन जो है कांदा वो अपने आप धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये मसाला जो हमने पीस के रखा है वो भी डाल देंगे। तो आप अच्छे से जार को साफ करके जो मसाला है इसमें डाल दीजिए। मसाला हमने डाल लिया है, अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसे भी 5 मिनट के लिए ढक के पकने दीजिए। 5 मिनट बाद में इसे फिर से चेक कर लेती हूँ। इसमें से अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है खड़े मसालों की। देखिए किस तरीके से इसमें कलर आने लगा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। ओके, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें जो ये ड्राई पाउडर मसाला जो हमने लिया है वो सब भी डाल देंगे और अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। आपको इसे पकाते समय गैस की फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। एक भी बार आपको हाई या मीडियम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही आपको ये पूरी दो प्याजा सब्जी जो है वो पकानी है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे आप वापस से ढक करके 1 मिनट के लिए 1-1 मिनट पे चेक करिए और गैस की फ्लेम को लो रखना है। हो चुका है, आप इसे फिर से चेक कर लीजिए और अच्छे से चला लीजिए। इस टाइम पे हम इसमें नमक भी डाल देंगे, तो आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए
अब इसमें नमक मिक्स कर लिया है। एक आलू को आप ऐसे दबा के देखिए, ये एकदम पक चुका है। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक मिनट के लिए और भूनेंगे। और मैंने यहाँ पे हरी धनिया बारीक काट के ले ली है, वो भी आप इसी समय इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पूरी तरीके से पक के तैयार है। तो हमारी स्टू की सब्जी जो रेडी है, आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टू की सब्जी बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टू की सब्जी अच्छी लगी, या दो प्याजा जो भी आप इसे बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।